तीन दिनों से लव जिहाद के दो मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों को लव जिहाद के विरुद्ध बने नए कानून के तहत जेल भेज दिया गया है। पहला मामला गोरखपुर के हरपुर बुधहट थाने का था, जहां पर मैनुद्दीन नाम के आदमी ने मन्नू बनकर एक हिंदू लड़की के साथ मंदिर में शादी की और फिर कुछ दिनों बाद वह मुस्लिम रीति रिवाज से एक मुस्लिम लड़की से शादी करने जा रहा था, जिसे पुलिस ने शादी के मंडप से गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा मामला गोरखपुर शहर के ही शाहजहां थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक मुस्लिम युवक नाबालिग लड़की को निकाह करके भगाने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लगातार तीन दिनों में दो मामले सामने आने पर मुख्यमंत्री का असर होने के कारण पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई। देखें संवाददाता सतीश शुक्ला की रिपोर्ट। दिनांक 8 मार्च 2021 को रात्रि 10 बजे पीड़िता की माता द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री जब दिनांक 1 मार्च 2021 को 1 बजे पढ़ने जा रही थी तो उनको जबरदस्ती उठाकर निकाह कर लिया गया। इस सूचना के आधार पर थाना शाहपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 95/2021 धारा 363, 366, 506 IPC और 3/5(1) UP विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को मेडिकल और विधिक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, वह अवश्य विधि कार्रवाई की जाएगी। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।